देश भी साफ है, नारी शक्ति एवं बेटी। देश की एकता एवं अखंडता का संदेश लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आप लोगों द्वारा यह बाइक रैली की जा रही है, यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ द्वारा महिलाएं बाल विकास कल्याण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से इस महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसमें यशस्वनी महिला मोटर बाइकरों की 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक टीम में 50 महिला बाइकर हैं, 25 राइडर एवं 25 को राइडर हैं। ये महिला बाइकर देश के 3 हिस्सों उत्तर में श्रीनगर से एवं पूर्व में शिलांग और दक्षिण में कन्याकुमारी से 3 हिस्सों में ये टीम पार्टिसिपेट कर रही है और ये तीनों टीमें 15 राज्यों 40 जिलों से गुजरकर 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह राज्य मंत्री थे 31 अक्टूबर को देश के पश्चिम हिस्से में स्थित राज्य के केवड़िया जो कि आजकल एकता नगर के नाम से जाना जाता है जहां उनका स्टैचू स्थापित है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है के पास जाकर समाप्त होगी। उपरोक्त में हमें राखी बांधकर हमारी लंबी उम्र की बुला लिया है स्टेज पे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। सर्विस हो चुका है तो जर्नी बहुत लंबी है और श्रीनगर से लगा के श्रीलंका। अब मैं आपको जो हम श्रीनगर से और यहाँ हीरानगर तक आए हैं 2021 की भर्ती है, नई सारी नई लड़कियां हैं, पुरानी मेरी 2-4 लड़की थी तो उन्हीं के सारे लेके चली थी। स्वरूप किया तब जब हुआ तो बोला गया भैया आप लोगों को श्रीनगर जाना है तो हमारा पहला पॉइंट यही था श्रीनगर जाना है तो सर मेरे को कुछ भी नहीं तो आप 2-3 लड़कियां पुरानी दे दीजिए। जब वहां से मिल गई है लड़कियां तो जब चलने की तैयारी हो लड़कियां बोली मैडम हम कैसे जाएंगे श्रीनगर तो बहुत ऊबड़ खाबड़ और ऐसा इलाका है वहां पे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला एक बार चलो फिर हम सब देखते हैं। जब हम वहां पे पहुंचे क्योंकि मैंने 1990 से हम लोग वहां पे हैं, महिला बटालियन जो फर्स्ट महिला बटालियन खड़ी हुई थी हमारी एशिया में फर्स्ट बटालियन है उसकी भी मैं मेंबर हूँ रहे हैं। वो माहौल जब आज का माहौल देखा तो उसमें दिन रात का अंतर था। जैसे हम वहां पहुंचे हमने पहला एक रिहर्सल किया तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एलजी साहब ने ऐसा है लेकिन वो रास्ता हमको अखरा नहीं क्योंकि बच्चे कॉलेज की लड़की अक मैडम लोग कब आएंगे फ्लैग ले रखा है हाथ में रखे हैं सिर्फ इसलिए फूल बरसा रहे हैं वो सिर्फ हमारा देश की एकता एवं अखंडता का संदेश लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आप लोगों द्वारा यह बाइक रैली की जा रही है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ द्वारा महिलाएं बाल विकास कल्याण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से इस महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसमें यशस्वनी महिला मोटर बाइकरों की 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक टीम में 50 महिला बाइकर हैं, 25 राइडर एवं 25 को राइडर हैं। ये महिला बाइकर देश के 3 हिस्सों उत्तर में श्रीनगर से एवं पूर्व में शिलांग और दक्षिण में कन्याकुमारी से 3 हिस्सों में ये टीम पार्टिसिपेट कर रही है और ये तीनों टीमें 15 राज्यों 40 जिलों से गुजरकर 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह राज्य मंत्री थे 31 अक्टूबर को
देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित राज्य के केवड़िया, जो कि आजकल एकता नगर के नाम से जाना जाता है, जहां उनका स्टैच्यू स्थापित है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, के पास जाकर समाप्त होगी। उपरोक्त चाहे वह घर हो या कार्यस्थल हो, हमें हर जगह ऐसा वातावरण बनाना है जिस तरह की प्रताड़ना एवं भेदभाव का शिकार ना हो। नारी शक्ति से ही मजबूत परिवार एवं समाज का निर्माण होता है। यहाँ महिला बाइक रैली आई है, ये श्रीनगर से निकली है और इनका मेन संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा बनाएं और हर क्षेत्र में वो अपने इनकी तरह इनको देख के मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। तो ये आज इनका यहाँ एक छोटा सा पड़ाव है, इसके बाद ये आगे जलंधर और अमृतसर होते हुए और 15 राज्यों से गुजरते हुए ये 31 तारीख को एकता नगर गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, वहीं जाके समाप्त होगी। और ये रैली हमारी 3 टीमें निकल रही हैं, एक श्रीनगर से स्टार्ट हुई है, एक शिलोंग से पूर्व में और दक्षिण में कन्याकुमारी से स्टार्ट हुई है। ये तीनों टीमें वहाँ जाके 31 तारीख को समाप्त होंगी। क्या देखते हैं इतनी कड़ी ड्यूटी के बाद जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कितनी राहत और देश के प्रति देशभक्ति में कितना जज्बा इसमें है? देशभक्ति के इन्हीं को देशभक्ति में आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए ही, प्रेरित करने के लिए ही हमारा मकसद है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और इससे आम पब्लिक को भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि वो अपने बच्चों को बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। अच्छा DIG साहब, यहाँ पे ग्रुप सेंटर अभी नया स्थापित हुआ है, उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं इस इलाके के टोपोग्राफी के हिसाब से? एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरी तरफ पहाड़ों का इलाका है, आतंकवाद की जो घुसपैठ की शंका है, कितना आप इस ग्रुप सेंटर को कारगर मानते हैं और इसकी भूमिका के बारे में? नहीं, इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हाईवे के ऊपर है और आप पास में भी कई देखे हैं कि ये इस एरिया में काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं। राजबाग पुलिस स्टेशन में देख लीजिए, या पीछे यहाँ कठुआ जेल के पास पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी कई बार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस एरिया में इस तरह की कोई घटना ना हो। हमारा रेगुलर आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग और सैनिटाइज करते रहते हैं, और साथ में हमारा ITBP भी कैंप है, इनका भी सपोर्ट रहता है साथ में। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आने वाले समय में ये इंसिडेंट फ्री रहे, किसी तरह की कोई घटना ना हो। कमांडेंट तारा यादव, मैं मैसेज ले आप इनके सभी के पेरेंट्स को, मैं यहाँ जो हीरानगर के जितने भी हैं या किसी भी आपके चैनल के द्वारा जम्मू कश्मीर को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपकी बेटियों को भगवान ने पंख दिए हैं, आप उनको खुला आसमान दें और उनको उड़ने दें। हमारा मकसद है महिलाओं को प्रेरित करना और महिलाओं को एकता दिवस का मतलब आप समझ रहे हैं, एकता का मतलब है महिलाओं को संगठित करना। दूसरा, जो आप ये आज भारत का जो नक्शा देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है, जिन्होंने 500 रियासतों को मिलाया था और एक साथ आज आप ये सब कुछ देख रहे हैं। 31 तारीख को उनका जयंती है और हम लोग यहाँ से 75 बाइकर जो जा रही हैं, वहाँ से तीनों स्टेटों आ रही हैं, तो वहाँ जाके हम सिर्फ एक उसको अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एक सच्चे दिल से, तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।